हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई जस्ट होप कि आप बिल्कुल सेफ होंगे और आप अपने घर में होंगे। सो आज का वीडियो जो होने वाला है, ये बिल्कुल हटके वीडियो होने वाला है। हटके वीडियो इसलिए है क्योंकि मैं मोस्टली, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा, मैं मोस्टली हेयर केयर और हेयर स्टाइल से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ। बट इस टाइम मैंने सोचा कि कुछ अलग शेयर करते हैं। नाउ अलग किस लिए? क्योंकि मैंने आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है, अमेज़न हॉल, फ्लिपकार्ट हॉल, मीशो हॉल, ये हॉल वो हॉल, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी हॉल शेयर करूं। परचेज तो मैं भी करती हूं, लोग अपने पैसे खर्च करते हैं और वो दुनिया के साथ शेयर करते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी कर देती हूं क्योंकि मैंने भी तो पैसे खर्च किए हैं। तो चलिए आज अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने कितने पैसे खर्च किए हैं। वो तो आपको कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं नहीं कैलकुलेट करूँगी। अगर मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे लगेगा बस आज के बाद से कोई शॉपिंग नहीं करनी, ठीक है? तो मैं तो कैलकुलेट नहीं करने वाली हूँ, आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने पैसे खर्च हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इतने सारे प्रोडक्ट्स इसलिए मंगाए हैं क्योंकि इस मंथ में मेरी बेटी का बर्थडे था और मैंने सोचा कि चलो थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं उसके लिए, और इसी बहाने थोड़ी बहुत हम लोगों की भी शॉपिंग हो गई। सो सबसे पहली जो चीज़ मैंने परचेज़ की थी वो है ये, ओके, ये तो ये है पेपा पिक पज़ल, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक बात बताऊँ, क्योंकि ये अच्छे से रैप होकर नहीं आया था, लेकिन क्योंकि अमेज़ॉन की सारी चीज़ें रैप होकर आती हैं या फिर उनके कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आती हैं, बट ये कुछ भी रैप होकर नहीं आया था। इसके ऊपर एक सिर्फ पॉलीथीन लगी थी और एक बिल लगा था, दैट्स इट। तो मैंने सोचा था कि मैं इसको उसके बर्थडे में दूंगी, बट उसने पहले ही देख लिया कि ये पेपा पिग है तो उसने ले लिया और इसकी हालत ऐसी हो गई। ये कुछ ही दिन पहले परचेज किया है मैंने, ये लग भी नहीं रहा है कि कुछ दिन पहले का परचेज है, बट इट्स ओके क्योंकि उसका ही गिफ्ट था। बर्थडे के पहले यूज़ करे, बाद यूज़ करे। नेक्स्ट थिंग, क्योंकि उसका बर्थडे है तो मैंने इसी चीज़ के लिए और भी एक चीज़ परचेज की है, और वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग चीज़ है, तो मैं वो आपको दिखाती हूँ। सो वो ऐसे कार्डबोर्ड पैकेजिंग में पैक होकर आया था, एक्चुअली बिग बॉक्स में पैक होकर आया था, मैंने फ़िलहाल के लिए इसमें रखा है। तो वो है ये, ओके। सो ये है सिलिकॉन मोल्ड, हार्ट शेप में है। मैं इसमें पिनाटा केक बनाने वाली हूँ, देखती हूँ कैसा बनेगा। बट मुझे ये बहुत ही मन था लेने का, काफ़ी टाइम से एक्चुअली मन था, बट उसका बर्थडे आया तो मैंने सोचा बर्थडे से स्पेशल और क्या हो सकता है, इसलिए मैंने इसे परचेज़ किया है। सो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मुझे लग रहा है, इवन हैमर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का। सो बेसिकली नेक्स्ट जो चीज़ है वो भी इसी से रिलेटेड है, मीन्स पिनाटा केक बनाने के लिए हमें चाहिए चॉकलेट कंपाउंड। मैंने ये सिर्फ डार्क कंपाउंड परचेज़ किया है, चॉकलेट का मैंने वाइट कंपाउंड परचेज़ नहीं किया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था अमेज़ॉन के ऊपर। इसका एक्चुअल प्राइस आई थिंक 102 रुपीज़ है, बट मुझे ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ा था, इसमें शायद डिलीवरी चार्जेस भी लगी थी, तो इसीलिए मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि मैं वाइट वाला भी परचेज़ करूँ, साथ के साथ डार्क भी परचेज़ करूँ। सो मैंने सिर्फ एक परचेज़ किया डार्क, ताकि मेरा मोटिव जो है पिनाटा केक बनाने का वो सॉल्व हो जाए। ओके, ना नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये, ओके तो मैं भूल गई थी क्या है, बट ये अगेन एक पज़ल है जीवा के लिए, जो कि मैंने उसको अभी तक दिखाया नहीं है, बट हाँ मैंने इसको ओपन करके देखा है। ये ब्रेक तो नहीं हो गया, इसके लिए मैंने थोड़ा सा ओपन करके देखा है। स्टिक्स दी हुई हैं और एक बोर्ड है जिसमें वो आप कोई सा भी लेटर्स बना सकते हैं, कोई सा भी नंबर्स बना सकते हैं, कोई सा भी शेप बना सकते हैं। इट्स टोटली अप टू योर इमेजिनेशन कि आप क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो बच्चों के लिए आई थिंक ये बहुत अच्छा होगा कि वो सोचेंगे कि नई नई चीज़ें क्या बनानी है, तो आई थिंक उसके लिए मैंने ये परचेज़ किया है और मैंने इसे छुपा के रखा है, अभी तक उसे दिया नहीं है। सो नेक्स्ट, आजकल मुझे बहुत ही ज़्यादा थोड़ा मेकअप वेकअप करने का शौक चढ़ा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक मेकअप से रिलेटेड चीज़ मंगाई जाए।
बट उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप मेकअप ब्रशेस या फिर ऐसी कोई चीज़ें मंगाते हो तो वो रिटर्न नहीं हो पाती है चीज़ें, तो मुझे इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा डाउट था और वो डाउट बिल्कुल यकीन में बदल गया जब मैंने मंगाया था ये जो मैं स्क्रीन पे अपलोड करूँगी एंड मुझे रिसीव हुआ। क्या दोनों एक जैसे हैं? बिल्कुल नहीं। मैंने 10 ब्रशेस का सेट मंगाया था और मुझे ये कुछ आईब्रो ब्रशेस आई थी जिसपे मेंशन्ड है हुडा ब्यूटी विच इज़ रियली नॉट हुडा ब्यूटी, और इसकी पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा फ्लिमजी थी तो वो ऑब्वियसली निकल गई। फिर मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया और उनको बोला कि मुझे जो प्रोडक्ट चाहिए था वो प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं है, ये रिसीव जो चाहिए था वो बिल्कुल भी नहीं है। तो उन्होंने मुझे पूरे के पूरे 198 रुपीज़ रिफ़ंड कर दिए और उन्होंने बोला आप ये भी रख सकते हैं। एक्चुअली क्या हुआ, फ्री का सामान मिल गया और ऑब्वियसली अब फ्री का सामान है तो बहुत अच्छा लग रहा है और यूज़ भी आ रहा है, यूज़ भी किया है मैंने इसको। हालांकि ब्रशेस की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, जो मैंने यूज़ किया था तो मैंने देखा था कि ब्रशेस की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, बट ठीक है ना, फ्री का प्रोडक्ट है, हम इसको भी तब तक यूज़ करेंगे जब तक ये पूरी तरह टूट ना जाए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, और नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये अगेन, दिस इज अ पजल, दिस इज़ कलर ट्रैकर, और ये कलर ट्रैकर जो है ये भी मैंने जीवा के लिए परचेज किया है ना, इसे मैंने ओपन नहीं किया है। अगर मैं ओपन करती हूँ और ये वीडियो उसके बर्थडे के बाद अपलोड होती है देन डेफिनेटली मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा है और मैं यहाँ पे क्लिप इंसर्ट कर दूंगी। सो ये भी मैंने अमेजोन से लिया था, ये अराउंड 600 के करीब था और मुझे लगा कि शायद से इसको परचेज करना चाहिए बिकॉज इसमें भी क्रिएटिविटी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली है, बच्चों की थिंकिंग एबिलिटी बढ़ने वाली है बिकॉज इसमें भी हमें जो भी पजल सॉल्व करने हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत पड़ेगी। सो डेफिनेटली मुझे तो ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा और पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी थी और अच्छे से पैक होकर आया था। तो ओके, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एक्चुअली मुझे काफ़ी टाइम से लेने का मन था बट मैंने नहीं लिया था, बर्थडे तक का वेट है। एक स्विमिंग पूल, तो ये छोटा सा स्विमिंग पूल नहीं है, ये काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल है, ये मोर देन 5 feet का है और इसके साथ मिला था मुझे ये वाला पंप जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है बिकॉज़ जीवा के पास कई सारे ऐसे चेयर्स वगैरह हैं जिनको ब्लो करने के लिए ऐसे पंप की ज़रूरत पड़ती है, बट क्योंकि हमारे पास था नहीं तो हमने कितने टाइम से उसके चेयर वगैरह को बंद करके रखा था, कुछ बॉल्स वगैरह में भी नॉर्मल पंप से एयर नहीं जाती है, तो मैंने सोचा पंप के साथ ही ले लेती हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मुझे अराउंड 1200 का मिला था विथ पंप, और उसका पंप कुछ इस तरीके का है, मैंने इसको ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। इसमें दो तरीके के नोजल्स दिए हुए हैं और ये काफ़ी अच्छा है। अपने लिए मैंने क्या परचेज़ किया है, सो मुझे काफ़ी टाइम से बहुत ही ज़्यादा शौक है वॉचेस का, फास्ट ट्रैक की वॉच अपने लिए परचेज़ की है। सो ये वॉच को मैंने तकरीबन 1 साल से कार्ट में डाल के रखा था और ये वॉच मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं इसका क्लोज़र लुक आपको अभी दिखा दूँगी। सो ये वॉच मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ये मुझे अराउंड 1100 या फिर 1200 की मिली थी। एंड तो जो मेरी नेक्स्ट परचेज है वो है एक लैपटॉप स्किन। सो मैंने लैपटॉप स्किन को आते से ही लैपटॉप में लगा दिया क्योंकि ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था। सो बेसिकली ये मुझे डिनोट करता है दिस साइड इज़ अ क्रिएटिव साइड एंड दिस साइड इज़ अ पढ़ाकू साइड, सो विच इज़ आई एम बोथ ऑफ दीज। सो ये मुझे काफ़ी सूट कर रहा था और ये वाली चीज़ को भी मैंने काफ़ी टाइम से कार्ट में डाल रखा था। एक्चुअली इसका एक्चुअल प्राइस जो था वो 250 से कम कभी हुआ ही नहीं, 250, 285, 300 ऐसा। तो मुझे लगा एक सिंपल से स्टिकर को परचेज़ करने के लिए मैं इतने सारे पैसे क्यों खर्चूँ, तो मैंने इसको काफ़ी टाइम तक अपने कार्ट में रखा है।
एंड जब ये 200 से कम हुआ तब मैंने परचेज किया। लिटरली बताऊं 200 से एक रुपए कम हुआ था। यस 199 इसका प्राइस मुझे याद है। टू स्मार्ट। चलो अब एक और प्रोडक्ट आई थिंक रह गया है जो कि मुझे लेकर आना पड़ेगा। सो वेट। ओके सो द लास्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दिस हॉल इज दिस शर्ट। दिस शर्ट एक्चुअली काफ़ी टाइम से मुझे मन कर रहा था कुछ शर्ट वगैरह परचेज करने के लिए अपने हस्बैंड के लिए, तो मैंने ये वाला शर्ट परचेज किया है। सो इसका फैब्रिक लिनन था और ये काफ़ी अच्छा सॉफ्ट फैब्रिक था। इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं थी तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था और इसका कलर भी काफ़ी डिसेंट सोबर था। सो बहुत ही अच्छा था, 800 के करीब पड़ा था। तो दैट्स इट। सो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइएगा। ये था एक बहुत ही डिफरेंट वीडियो, एक अमेज़ॉन हॉल मेरी तरफ से। मोस्टली मैं हेयर केयर और हेयर स्टाइल से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ अपने चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। अगर आपको कोई भी स्पेशल सजेशन देना है प्लीज़ मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। एनीथिंग इज़ एक्सेप्टेबल। सो आपके सजेशंस बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल हैं। सो प्लीज़ डू मेंशन इट इन द कमेंट बिलो। एंड फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।